हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जियोलॉजी वीडियोज की सीरीज में। मैं हूं आपके साथ पीकी सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूकेरियोट जो जीव होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। तो देखिए, इससे पहले ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है और प्रोकैरियोटिक जीन जैसे कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आप इस को समझने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स में। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या है, डीएनए द्वारा अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को किसको प्रोवाइड करना, आरएनए। डीएनए द्वारा आरएनए की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो हमें यहाँ पर एक तो ये डिफरेंस जानना है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक जीवों में जब हमने ट्रांसक्रिप्शन की बात की थी तो वहां पर हमने ट्रांसक्रिप्शन के लिए केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया था, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में हम तीन डिफरेंट प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं। प्रोकैरियोट में तीनों प्रकार के आरएनए, चाहे वो आरआरएनए हो, एमआरएनए हो या टीआरएनए, तीनों का जो फॉर्मेशन है, ट्रांसक्रिप्शन जो है, वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज से हो जाता है। लेकिन यहां पर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है जो आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है जो पहले एचएनआरएनए आफ्टर दिस एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है जो टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। ठीक है, तो एक मेन जो अंतर है वो तो ये हो जाता है। तो देखिए आप जरा, जैसे कि स्टेप्स तो वही रहेंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो जाएगा इनिशिएशन, ओके। सेकंड स्टेप हमारा क्या हो जाता है, इलॉन्गेशन, और जो थर्ड स्टेप है हमारे यहां पर वो क्या हो जाता है, टर्मिनेशन। तो वही तीन स्टेप है हमारे लिए, स्ट्रैंड बनाएंगे किस पर, डीएनए पर। वही हम डीएनए लेंगे, डीएनए का 3 डैश से 5 डैश वाला जो स्ट्रैंड है, जिसे कि हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, उस पर हम आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। इनिशिएशन के लिए हमारे पास क्या होगी, इनिशिएशन के लिए हमारे पास प्रमोटर साइट होगी, ओके, प्रमोटर साइट। और प्रमोटर साइट कौन सी साइट होगी, जहां पर कौन आकर जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ेगा। इलॉन्गेशन होगा, इलॉन्गेशन किसकी मदद से होगा, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से। और टर्मिनेशन होगा किस साइट पर, टर्मिनेटर वाली साइट पर। और टर्मिनेटर वाली साइट कौन सी होती है, इसकी पहचान कौन करेगा, इसे कौन आइडेंटिफाई करेगा, रो फैक्टर। तो देखिए, ये बात हमने प्रोकैरियोट वीडियो में भी देखी थी, यूकेरियोट में भी हम बता रहे हैं कि इनिशिएशन प्रमोटर साइट से होगा, इसको आइडेंटिफाई सिग्मा फैक्टर करता है, इलॉन्गेशन आरएनए पॉलीमरेज करता है, और टर्मिनेशन टर्मिनेटर साइट पर होगा, जिसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, प्रो फैक्टर करेगा। हमने डिफरेंस आपको बताया है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज में, और हमने कहा कि ये आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज है, जिनमें से आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो किसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, आरआरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए का। सेकंड वाला है ये किसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, एचएनआरएनए का। एचएनआरएनए से मतलब हमारा होता है यहाँ पर हेटेरोजीनस आरएनए, विषमांगी आरएनए, मतलब जिसमें दो विषम मतलब अलग अलग प्रकार के पार्ट होते हैं, तो वो हेटेरोजीनस आरएनए है। और ये हेटेरोजीनस आरएनए का मतलब यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ, दरअसल इस आरएनए में दो प्रकार के रीजन होते हैं, एक तो होता है एक्जोन और दूसरा होता है इंट्रॉन।
दो प्रकार के रीजन होते हैं। इस दो प्रकार के रीजन वाले आरएनए को एचएन आरएनए कहते हैं, लेकिन इस एचएन आरएनए में क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। इस स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में एचएन आरएनए से एक्सॉन जो होते हैं इनको आउट कर दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है एक्सॉन को। क्यों? क्योंकि एक्सॉन में कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो एक्सॉन को बाहर निकाल दिया जाता है, सारे न्यूरॉन आपस में जुड़ जाते हैं और सारे न्यूरॉन्स के आपस में जुड़ने से जो आरएनए यहां पर रेडी हो जाता है वो आरएनए हमारा कौन सा होता है, एमआरएनए होता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए होता है, क्योंकि इसके इंट्रॉन में, इस इंट्रॉन में डीएनए अपनी प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनको डालता है, तो इसलिए इसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। जिसके पास डीएनए का मैसेज है, किस चीज का मैसेज है कि हमें किस प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है करना है। लास्ट थर्ड आता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज़ थर्ड, जो कि किस आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है, टीआरएनए। ओके, तो मेन जो अंतर है वो हमारे हमने देखा आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिंग में यहां पर आता है। दूसरा अंतर यहां पर क्या आता है कि यहां पर एचएनआरएनए बनता है पॉलीमरेज़ साइकिल से, जो कि मैंने बताया एक्सॉन और इंट्रॉन से मिलकर बना होता है, दोनों को विषम अंगों से मिलकर बना होता है, इसलिए से हम एचएनआरएनए कहते हैं। और इसकी स्प्लाइसिंग से किसका फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर ये जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, एक बार में कंप्लीट नहीं होती है, अलग अलग तरीके से प्रोसेस होती है। किस तरीके से प्रोसेस होती है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा स्प्लाइसिंग के लिए, उस वीडियो में देख के आप स्प्लाइसिंग की पूरी प्रोसेस को समझ पाएंगे। हाँ, इससे पहले एक बात और मैं यहां पर आपको बताता हूं कि यूकेरियोट जो है, यूकेरियोट की यदि हम एग्जांपल की बात करें कि किस यूकेरियोटिक जीव में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो यूकेरियोट्स के हमारे पास लॉट ऑफ एग्जांपल है। हम प्लांट्स के एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी यूकेरियोट है। हम एनिमल्स के एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी यूकेरियोट है। लेकिन जब प्रोकेरियोट की बात आती है तो हमारे पास वहाँ एग्जांपल थोड़ी सीमित हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकेरियोट्स जो होते हैं उनमें मोस्टली हमारे बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा वगैरह है, साइनोबैक्टीरिया है, उनसे हम एग्जांपल्स को लेते हैं। यूकेरियोट में आप इसे समझाने के लिए कोई यूनिसेल्युलर जीव का भी एग्जांपल ले सकते हो, वो अमीबा हो सकता है, यूरिना हो सकता है, जो भी, या आप मल्टीसेल्युलर एग्जांपल भी ले सकते हो, वो ह्यूमन भी हो सकता है। हमारे अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इसी प्रकार से होता है, इन प्रकार के यहाँ पर पॉलीमरेज़ हमारे काम में आते हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकेरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में जब डिफरेंस करेंगे तो हम वहाँ एक अंतर ये भी बता सकते हैं कि वहां पर जो है कोई स्प्लाइसिंग जैसी कोई क्रिया नहीं होती, एडिटिंग जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। यहाँ पर स्प्लाइसिंग होती है, एडिटिंग होती है, दो अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में डिटेल से जैसा कि मैंने कहा कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब लास्ट में आप ये बात और समझ लीजिए कि कुल मिलाकर हमने ट्रांसक्रिप्शन में क्या किया। हमने सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत के अनुसार ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए की इंफॉर्मेशन थी उन इंफॉर्मेशन को किसको प्रोवाइड किया, आरएनए को, और विशेषकर किस आरएनए को, प्रोटीन संश्लेषण की जो इंफॉर्मेशन है वो किस आरएनए को दी है, एमआरएनए। यहाँ पर आरएनए और डीआरएनए है, ये प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास होती है। तो मैं आपको तीनों आरएनए का यहाँ पर दोबारा से वर्क आपको समझा देता हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका क्या वर्क है, आरआरएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण साइट का कार्य करता है, मतलब ये वो स्थल है, वो जगह है जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आरआरएनए जो है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे यूकैरियोट में हम बात करें तो आरआरएनए में दो यूनिट्स होती है, इनमें स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो 40 एस की होती है, और लॉन्ग जो यूनिट होती है वो कितने एस की होती है, 60 एस की होती है। तो ये जो यूनिट्स आपको दिखाई दे रही है आरआरएनए की, इन यूनिट्स पर ही, ये यूनिट ही जो है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, यहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए है, ये आरएनए क्या करेगा, ये आरएनए क्या करेगा, दरअसल यहां पर ये जो यूनिट है ना, इन यूनिटों के बीच में आ जाएगा आपका एमआरएनए, ये एमआरएनए है। तो टीआरएनए क्या करता है, एमआरएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कुछ विशेष प्रकार के कोड के रूप में आती है, कोडोन के रूप में आती है।
इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इसका। इसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की जो एमआरएनए को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है डीएनए से, वो इंफॉर्मेशन एक कोडिंग भाषा के रूप में होती है। इस भाषा को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो वो एक जेनेटिक कोड है। इन कोडों की भाषा जो है, इस भाषा को पढ़ के डीआरएनए, इसमें क्या है, इन कोडों में ये जानकारी छुपी हुई है कि कौन सा एमिनो एसिड पहले आएगा, कौन सा एमिनो एसिड बाद में आएगा, कौन सा फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, कौन सा थर्ड नंबर पर आएगा, कौन सा फोर्थ नंबर पे आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 20 प्रकार के, 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो कौन सा एमिनो एसिड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये इन्फॉर्मेशन इस एमआरएनए में छुपी हुई है। और एमआरएनए का इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा डीआरएनए, और डीआरएनए पढ़ के ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स पर डीआरएनए किसको लेकर आएगा, एमिनो एसिड को लेकर आएगा। वो एमिनो एसिड आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाएंगे, पेप्टाइड श्रृंखला, और इस पेप्टाइड श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो मैं आपको जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसमें डिटेल से इस पूरी प्रोसेस को बताऊंगा, तीनों एमआरएनए के फंक्शन को, और कैसे चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। वो ट्रांसलेशन वाला जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।